This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. Yeah, daraza ban kar diye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Hadith number hai 171. Abdullah bin Zaid bin Asim radiyallahu anhu farmate hain, लम्मा अफा अल्लाहु अला नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल गनीमत अता फरमाया, माल फै जो है गनीमत के माना में भी इस्तेमाल होता है, वैसे माल गनीमत और माल फै में फ़र्क है। माल गनीमत लड़ाई के बाद जो हासिल हो और माल फै जो बिना लड़ाई के हासिल हो, लेकिन कभी माल फै माल गनीमत के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माले फै यानी माले गनीमत अता फरमाया, यौम हुनैन, कब हुनैन, हुनैन कब हुआ जी, पता है मक्का के बाद किस हिजरी में हुआ जी, 6 में, पता है मक्का 12 हिजरी में हुआ, 10 में हुआ, 8 में हुआ है, तो हुनैन 9 में हुआ है, फतह मक्का के बाद हुआ है ये वाक्या ग़ज़वा हुनैन। कासमा फिन्नासी, आपने माल गनीमत लोगों में तकसीम किया, वफिल मुअल्लफति कुलूबुहुम, और तालीफ कल्बी के लिए, तालीफ कल्बी के लिए भी आपने माल तकसीम किया। तालीफ कल्बी क्या होती है, तालीफ कल्बी के बहुत सारे मफहूम हैं, दिल जीतने के लिए, उसमें एक ये है कि नए नए मुसलमान हुए हैं, आप उनको इस्लाम पर मजबूत करने के लिए माल दें, एक दूसरा ये है, हैं काफिर लेकिन इस्लाम के करीब लाने के लिए उनको माल दें आप, ताकि उनकी गुर्बत उनकी मुश्किलात खत्म हो और वो इस्लाम की तरफ आ जाए, दो हो गए। तीसरे, हैं काफिर इस्लाम लाने की उम्मीद भी नहीं है लेकिन इसलिए माल खर्च कर रहे हैं उन पर ताकि वो हमारे खिलाफ लड़े ना, तो ये तीन मफहूम हो गए तालीफ कल्बी के। मुसलमान हो चुके हैं लेकिन पस्ता हालत है, खस्ता हालत है, उनको इस्तेहकाम देना। नंबर दो, माल इसलिए खर्च करें ताकि लोग इस्लाम में इस मुश्किल सूरत हाल में उनकी मदद की सूरत में इस्लाम में दाखिल हो जाएं। और तीसरा, कम से कम इसलिए माल खर्च करें कि वो आपके खिलाफ दुश्मन का साथ ना दें। तो ये तीनों मकासद तालीफ कल्बी के लिए है, तो आपने इस बुनियाद पर भी माल खर्च किया। वलम युतिल अंसार शैअन, आपने अंसार को कुछ भी नहीं दिया। अंसार कौन लोग हैं, मदीने में वो सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की थी, और ये दो कबीले थे मदीने के अंदर, औस और खजरज, एक कबीले का नाम था औस और दूसरे का नाम था खजरज, ये दो कबीले थे, ये दोनों मुसलमान हो गए और यही अंसार बने। जी जी, इस एक के सरदार थे साद बिन मास और दूसरे के थे साद बिन उबादा, इन दोनों कबीलों के सरदार। फकअन्नहुम वजदु फी अन्फुसिहिम, गोया के लोगों ने अपने दिलों में गम महसूस किया। गर्मी आ गई, लोगों ने अपने दिलों में गम महसूस किया, किस वजह से, किस वजह से कि माले गनीमत लोगों को दिया जा रहा है, हत्ता के कुफार को भी दिया जा रहा है, नए मुसलमानों को भी दिया जा रहा है, जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ निछावर कर दिया उनको नहीं दिया। इदलम युसिब हम, इसलिए कि उनको नहीं मिला मा आसाबन्नास, जो लोगों को मिला, तो दिल में गमजदा थे। फखाताबा हम, आपने लोगों को खुतबा दिया और फरमाया, या माशर अल अंसार, ए अंसार की जमात,
माशर कहते हैं जमात को, इसी से है मुआशरा, सोसाइटी। क्या हुआ? अब सही है। तुम इधर मुझे देखो, उधर क्यों देख रहे हो? लाइव मैं तुम्हारे सामने हूं तो स्क्रीन को क्यों देख रहे? या माशर अल अंसार, ए अंसार की जमात, अलम अजीदुकुम दुलालन, क्या मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था? जुलाल गुमराह को कहते हैं। क्या मैंने तुम्हें गुमराह नहीं पाया था? फहदाकुमुल्लाहु बी, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी मेरे जरिए। जाहिर है रहबर और रहनमा हादी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को बनाकर भेजा गया, मेरे जरिए तुम्हारी रहनमाई कर दी। वकुंतुम मुतफर्रिकीन, और तुम जुदा जुदा थे, एक दूसरे से कटे हुए थे। फअल्लफकुमुल्लाहु बी, अल्लाह ताला ने तुम्हें जोड़ दिया मेरे जरिए। जो एक दूसरे से नफरत करते थे वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए। सबब कौन बने? नबी मुकर्रम सल्लम। वआलतन गुमराह, तुम फकीर थे, फकीर, आला कहते हैं फकीर को। फअग्नाकुमुल्लाहु बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें मालदार बना दिया मेरे जरिए। बरकतें ईमान की, इस्लाम की बरकतें हैं ये। कुल्लमा काल शैयन, जब भी आपने कुछ कहा तो फौरन अंसार ने कहा, अल्लाहु व रसूलु अमन्नु, अल्लाह उसके रसूल के एहसानात हैं। इस बात में कोई शक नहीं, अल्लाह के भी एहसानात हैं और रसूलुल्लाह के भी एहसानात हैं। अलमन्नु एहसान को कहते हैं, उसी से इसम तफजील है, अमन्नु बड़े एहसानात हैं। तो आपने फरमाया, मा यमनाउकुम, तो तुम्हें किसने रोका? अंत तुजीबू रसूल अल्लाह, कि तुम रसूलुल्लाह सल्लम को जवाब दो, रसूलुल्लाह सल्लम की बात पर लब्बैक कहो। कालु अल्लाहु व रसूलहु अमन्नु, साहबा ने फिर वही बात कही, अल्लाह उसके रसूल के एहसानात हैं। आपने फरमाया, लौ शितुम लकुलतुम, अगर तुम चाहो तो तुम ये कह सकते हो, जितना बिकदा व कदा, कि तुम हमारे पास आए थे इस तरह। आपने अंसार से कहा कि तुम ये भी कह सकते हो कि मुहाजिरीन भी तो अंसार के पास इस तरह आए थे गुर्बत और फकीरी की हालत में, अगर तुम चाहो तो कह सकते हो कि तुम भी हमारे पास, यानी तुम मुझे कह सकते हो कि तुम हमारे पास आए थे इस हालत में। अला तरदौना, ए अंसार की जमात, क्या तुम ये पसंद नहीं करते? अय्यदहब अन्नास बिश्शाति वल बईर, के लोग बकरियों के साथ, ऊंटों के साथ जाएं। वतदहबूना बिन नबी इला रिहालिकुम, और तुम अपने नबी की मोहब्बत और ईमान के साथ घरों में जाओ। रिहाल घर, लोगों को बकरियां मिले, लोगों को ऊंट मिले, माल गनीमत में वो अपने घरों को जाएं, और तुम्हारे खाते में क्या है? नबी की मोहब्बत, नबी पर ईमान, नबी से सच्ची वफादारी। अगर तुम ये लेकर अपने घरों में जाते हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? लौलल हिजरतु, अगर हिजरत ना होती, लकुंतु इमरा मिनल अंसार, तो मैं एक अंसारी शख्स होता। वलौ सलकन्नासु वादियन, अगर लोग किसी वादी में चलें, औ शिबन, या घाटी में, शिब कहते हैं घाटी को जब आप पहाड़ी से नीचे उतरते हैं, लसलकतु वादी अल अंसारी व शिबिहा, तो मैं अंसार की वादी और उनकी घाटी में चलूंगा, यानी मेरा चलना, मेरा जीना अंसार तुम्हारे साथ है। अल अंसारु शियारुन, अंसार शियार हैं। शियार कहते हैं उस चादर को जो जिस्म के साथ टच हो रही होती है, जैसे हम एक पतला सा कोई जिस्म पर कपड़ा डाला आपने, उसके ऊपर से आपने मोटी सी चादर डाल दी, तो जो जिस्म के साथ टच कर रहा है उसको शियार कहते हैं, जो ऊपर डाला जाता है उसको दिसार कहते हैं।
नहीं वो तो हिकवा, वो तो आपकी तहबंद थी, ये अगर ऊपर आ जाए, अगर ये ऊपर आ जाए ठीक है, इनको कहना थोड़ा सा माइक को मसला हुआ है तो आवाज को शोर कर रही है। तो शियार किस चादर को कहते हैं? वो चादर जो जिस्म के साथ टच कर रही होती है। ये मिसाल देकर अंसार को कहा कि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, मेरे जिस्म से बहुत करीब तर हो। वन्नासु दिसार, और लोग दिसार हैं, दिसार यानी मुझसे तुम्हारे मुकाबले में दूर हैं। बकिया लोग तुम्हारे मुकाबले में मुझसे दूर हैं और तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब तर हो। इन्नकुम सतलकौन बादी आथारतन, अनकरीब तुम पाओगे मेरे बाद तरजी को। तरजी यानी मेरे बाद तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि तुम पर दूसरों को तरजीह दी जा रही होगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। अनकरीब तुम पाओगे मेरे बात आसारतन तरजीह को, यानी तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, सहाबा तुम्हें अहमियत नहीं दी जाएगी। तो क्या करना है? फस भी रू, सबर करना। हत्ता तल कौनी आल हाउद, हत्ता के तुम मुझे पाओगे, तुम मुझसे मिलोगे हौदे कौसर पर। दुनिया में तुम्हें नहीं दिया जाएगा, तुम्हें नहीं नवाजा जाएगा, तुम्हारे साथ तावुन नहीं किया जाएगा, तुम्हें मनसब पर फाइज नहीं किया जाएगा, ना अहल को तुम्हारे जगह पर बिठा दिया जाएगा। तो परेशान नहीं होना, सबर करना, हत्ता के दुनिया से चले जाना और इसी सबर के साथ मेरे सामने हौज़े कौसर पर आना है। इस हदीस को जिक्र करने का जो मकसद है वो ये है, माल गनीमत की जो तकसीम होती है, माल गनीमत की तकसीम, एक होता है माल फै, एक होता है माल गनीमत, इन दोनों की तकसीम में फर्क है। बहुत सारे, एक तो आपने पढ़ा माल जकात, उसके मसारिफ भी पढ़ लिए, किस किस माल पर है, वो चार तरह का है, ठीक है, और मसारिफ आठ है वो आपने पढ़ लिए, निसाब कितना है वो भी पढ़ लिया आपने। दूसरा सदकतुल फितर, वो जो हम चीजें खाते हैं रमजान के आखिर में, एक दो दिन पहले आप 2.5 किलो यानी एक सा किसी भी चीज का हर फर्द ने देना है, छोटा है बड़ा है हर मुसलमान ने देना है, उसको सदकतुल फितर कहते हैं। एक आम नफली सदका होता है, एक है रिकास। रिकास जानते हैं किसको कहते हैं, किसको कहते हैं रिकास? जी, दौरे जाहिलियत का मदफून खजाना। इसका कितना है? पांचवा हिस्सा। मादनियात किसे कहते हैं? कुदरती जखायर। इसमें भी इसी हदीस के तनाजुर में बाद अहले इल्म कहते हैं पांचवा हिस्सा है, या बास कहते हैं कि नहीं साल के बाद आपको 2.5% जकात देनी है। दोनों तरह के मौकफ है इसमें। एक और माल मैंने बताया था लुक्ता। लुक्ता में क्या है? गिरी पड़ी चीज अगर गैर आबाद इलाके से मिले तो उसमें क्या करना है? पांचवा हिस्सा देने के बाद बाकी आप इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा इलाका जो आबाद है तो एक साल तक ऐलान करना है। या एक और माल का जिक्र आ गया, वो दो तरह का माल समझे, माल फै और माल गनीमत। जो माल फै होता है इसका पूरा इख्तियार खलीफतुल मुस्लिमीन को है, जिस तरह फी लिखते हैं ना, बस या के ऊपर आप हमजा डाल के ऊपर जबर डाल दें फई, यानी फी के ऊपर जबर आ जाएगा फा पर और हमजा साकिन हो जाएगा फई। ये बगैर लड़ाई के दुश्मन से जो माल हासिल होता है इसको तकसीम करने का कुल इख्तियार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के पास है। उसमें वो अपना खर्चा रखेगा और उसके बाद बकिया जहां पर भी उसको बेहतर नजर आए वहां तकसीम कर सकता है, फुकरा में, मसाकीन में, यतामा में। मुजाहिदीन का इसमें कोई हिस्सा नहीं होता क्योंकि लड़ाई नहीं हुई। जो माले गनीमत है इसके पांच हिस्से किए जाएंगे, इसके पांच हिस्से किए जाएंगे। पांचवा हिस्सा जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन का होगा, बकिया जो चार हिस्से वो मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। आप कहां थे? अच्छा,
जी, जैसे माले, जैसे खैबर है जी, फिर इसी बाबे फिदक जो हमारे यहाँ अभी तक मसलक कश्मीर की तरह बना हुआ है, जिस पर सहाबा इकराम पर तनकीद की जा रही होती है, माले फै का हिस्सा है बाबे फिदक, जिसमें रवाफिज जो है वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अबू बकर उमर पर तनकीद कर रहे होते हैं कि इस पर कब्जा कर लिया। अजीब मंतक है उनकी भाई, चलो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपने दौर में नहीं दिया, उसके बाद किसका दौर आया? उमर फारूक का, उन्होंने भी नहीं दिया, उसके बाद किसका आया? उन्होंने भी नहीं दिया, उसके बाद किसका आया? अब मसला क्यों हल नहीं हुआ? जब सैयदना अली रजी अल्लाह तआला खलीफा बने तो उस वक्त मसला हल क्यों नहीं किया उन्होंने? आखिरी बारी उनकी थी ना, उसके बाद 6 महीने हसन रजी अल्लाह, उसे हसन रजी अल्लाह तआला के थे, जब मसला हल उन्होंने किया तो तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा, जो चार बाकी है, चार मुजाहिदीन में तकसीम होंगे, उसको भी तरीकाकार ये है, जो पैदल चलेगा उसको एक हिस्सा मिलेगा जो पैदल सवार था, और जो घोड़े पर सवार था उसको 3 हिस्से मिलेंगे, जिसने सवार होकर लड़ाई की उसको 3 हिस्से मिलेंगे, और जो पैदल सवार होकर गया है, पैदल गया है लड़ाई करने के लिए मुजाहिद, उसको एक हिस्सा मिलेगा। नहीं, वो दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे, जहां जरूरी ये समझा जाता कि ये चीजें बैतुल माल में जमा करनी है ताकि वहां जब जंग हो तो वहां इस्तेमाल कर लें, तो वहां दे दिया जाता, किसी को घोड़ा दे दिया, किसी को जरूरत है तो लौंडी दे दी, किसी को गुलाम दे दिया, इस तरह अफराद तकसीम होते थे। पैदल वाले को ज्यादा मेहनत है? नहीं, पैदल वाले ने ज्यादा नुकसान नहीं दुश्मन का करना जितना सवार ने करना होता है, सवार ज्यादा नुकसान करता है दुश्मन का, तो ये असल देखा जाता है कि ज्यादा फायदा किसने पहुंचाया। तो इसमें एक और बात पता चली कि मसारिफ ज़कात में तालीफ कल्बी भी शामिल है। मसारिफ ज़कात जो 8 हैं उनमें से एक है वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, तालीफ कल्बी, और तालीफ कल्बी के 3 मैंने सूरतें बता दी हैं आपको। इस्लाम में दाखिल हुआ है, कमजोर है, तावुन करें उसके साथ, मजबूत कर दें उसको, इस्लाम की तरफ झुकाव है, इतना खर्च करें उस पर कि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, और या फिर अगर दाखिल नहीं हो रहा तो कम से कम आपका खाकर आपके खिलाफ लड़ने की पोजीशन में ना हो जी, इस मकसद के तहत दे सकते, ये मकसद है। अब है सदकतुल फितर, सदकतुल फितर रजब में देते हैं या शाबान में? शव्वाल में देते हैं, शाबान में नहीं देते। शव्वाल की कौन सी तारीख को देना पड़ता? पहली तारीख को, ईद के फौरन बाद, ईद से पहले, ईद हो गई तो फिर अदा नहीं हुआ ना। ये फर्ज है या सुन्नत? फर्ज है। किस उम्र में जाकर फर्ज होता है? 1 दिन का बच्चा भी है उस पर भी है, हत्ता के बाज रिवायात से तो बाज़ अहले इल्म ने यह भी इस्तदलाल किया है कि अगर वो माँ के पेट में है ना तो उसका भी दे दिया जाए, बहरहाल वो मुकल्लफ नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो अच्छी बात है, कोई अर्ज नहीं। कितना देना है? 1 सा। 1 सा कितने किलो होते हैं? 2.5 किलो। फरद रसूलुल्लाह सल्लम सदकतुल फितरी, रसूलुल्लाह सल्लम ने फर्ज कर दिया है सदकतुल फितर, औ काला रमदान, या फरमाया सदकतुल फितर की जगह का सदकतुर रमदान, किस पर? अलदकरी मर्द पर, वलुनसा औरत पर, वलहुर्री आजाद पर, वल ममलूक गुलाम पर। साअन 1 सा मिन तमरिन खजूर का, औ साअ मिन शईर या जौ का 1 सा, किशमिश का 1 सा। असल में इसमें 1 सा देना है उन अजनास में से जो अजनास आपके यहाँ मुस्तमल है, जिनको आप घर में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है? या तो आटा इस्तेमाल होता है या चावल इस्तेमाल होते हैं, इनमें से जो भी चीज आप चाहें दे दें। लेकिन अगर आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं 350 रुपए वाले, और आप जब देंगे तो फिर कितने किलो वाले देंगे? 120 वाले, है ना? ये जुल्म है। जितने जिस मेयार का आटा या चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसी मेयार का आटा और चावल लेकर दें आप,
असल ये है कि आप जिंस दें, क्या दें? जिंस। आप जितने घर के अफराद हैं हिसाब लगाएं, कितने चावल बनते हैं, चावल खरीदें, किसी एक फर्द को दे दें, उसका भला होगा कि नहीं होगा? अच्छा, हमें पता क्या कहते हैं हमारे यहाँ, अजीब बात ये, वो कहते हैं देखे उस बेचारे ने को तो पैसे चाहिए, उसको तो वो बेचारा अगर आपसे डॉलर मांगे तो, वो अगर आपसे वो पैसा सोना मांगे सोना, वो तो कुछ भी मांग सकता है। आपने अपने दीन पर अमल करना है, फिर उसकी मर्जी है। जब उसके पास चावल आ गया ना, अब वो चावल चाहे दुकान खोल ले उसकी, चाहे वो बेच दे, कुछ भी कर ले, वो मालिक है उसका। आपको चाहिए कि जो हुक्म आपको मिला है ना, आप उस पर अमल करें, लोगों की चाहतों पर अपने दीन को नहीं बदलना। इल्ला ये कि आप ये समझते मजबूरी है, कोई चीज नहीं मिल रही तो फिर आप पैसे दे देते, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। असल तो है जिंस, लेकिन गुंजाइश मौजूद है, गुंजाइश का फायदा नहीं उठाना चाहिए, असल की तरफ आना चाहिए। जो चीज जवाज है ना, तो उसको जवाज की हद तक रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर खड़ा होकर पानी पीना, ये क्या है? जवाज है ना, इसका मामूल तो नहीं बना सकते इसको। इसी तरह पेशाब बैठकर करना चाहिए, खड़े होने का जवाज है, तो जवाज को मामूल नहीं बनाया जाता। तो जवाज और चीज होती है, मामूल और चीज है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो खड़े होकर पानी पीता है उसको चाहिए कि उल्टी कर दे, वो क्या कर दे, उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की है। तो ये उसके लिए जो मामूल बनाता है, वरना बैठकर पानी पीना है। फादल अन्नास बिही, लोगों ने इसे बदल दिया, निस्फ साई मिंबर, गंदुम का आधा सा कर दिया, कितना? आधा सा। उन्होंने कहा भाई गंदुम कम होती है, महंगी है, लिहाजा जौ के मुकाबले में गंदुम आधा सा। तो रसूलुल्लाह सल्लम के दौर में सहाबा इकराम एक सा देते थे, अगर आधा सा हुआ है तो आधा सा ये इज्तिहाद हो सकता है किसी का, किसी सहाबी का इज्तिहाद हो सकता है, लेकिन ये सुन्नत नहीं है और ना ही सहाबा का ये मामूल था। अल सगीर वल कबीर, ये छोटे पर भी है बड़े पर भी है। एक और हदीस के अल्फाज है, अंतु अदा कबल खुरूज अन्नास इलल मुसल्ला, ईदगाह की तरफ जाने से पहले पहले अदा करना है। बहुत ज्यादा अगर आप पहले देना चाहें तो कब दे सकते हैं? दो दिन पहले, एक दिन दो दिन पहले, क्योंकि इसका मकसद जो है वो आपके रोजे में होने वाली कमी कुताई को खत्म करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी है, आप खरीद कर पैक बनाकर रख लें, आखिरी दिन जो है वो जैसे चांद नजर आए आप किसी को दे दें जाकर। अच्छा एक और सूरत भी है जो मैंने बताई थी, अगर जैसे बहुत सारे इदारे बने हुए थे वेलफेयर वगैरह जो राशन इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं और फिर आखिरी अशरे में बांटना शुरू कर देते हैं, आप उनको यकम को भी आप पैसे दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, पैसे जमा होंगे, शुरू से जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आखिरी अशरे में जाकर, आखिरी दिनों में जाकर माल लेकर पैक बनाकर तकसीम कर रहे होते हैं, तो ये भी ठीक है। आप जाती तौर पर किसी को देना चाहते हैं ना सदकतुल फितर, जाती तौर पर आप, वो दो या एक दिन पहले, इससे पहले आप नहीं दे सकते, समझे? ये फर्क है थोड़ा सा। वो रेट लगाया हुआ होता है मिसाल के तौर पर ना, उसमें कैटेगरीज लिखी भी होती है। जी हाँ जी जी, उसमें कैटेगरीज ये लिखी भी होती है कि जो अदना खाने वाला उसके लिए ये है और जो आला खाने वाला उसके लिए है, जो दरमियाना खाता है उसके लिए है। तो उसी हिसाब से ही है, तो आप जिस मियार की चीज खा रहे हैं उसी हिसाब से। अबू सईद अल खुदरी फरमाते हैं, कुन्ना नुअती हाफी ज़मन नबी सस्म सा मिन ताम, हम नबी इस्लाम के दौर में एक सा गल्ले का दिया करते थे, औसा मिन तमर, या एक सा खजूर का, औसा मिन शाइर, या एक सा जौ का, औसा मिन अकित, या पनीर का एक सा, औसा मिन जबीब, या किशमिश का एक सा। यानी जो चीजें खाई जाती थी, जो जो चीजें खाते थे उसका एक सा दे दिया करते थे। इसका ये माना नहीं है चार पांच चीजें हर एक एक सा देना है, इन अजनास में से जो हमारे खाने पीने में है उनमें से किसी का भी एक सा दे दें आप, बिल्कुल कोई भी दे दे। फलम्मा जा मुआविया, तो जब मुआविया रजी अल्लाह तआला नु आए, वजात समरा, और गंदुम आई, समरा गंदुम को कहते हैं, अल बुर्रु वल हिंततु और वस समराउ, ये गंदुम के नाम है। ये हिंता भी गंदुम को कहते हैं, अल बुर्र भी गंदुम को कहते हैं, समरा भी गंदुम को कहते हैं। तो इन्होंने कहा, अरा मुद्दम मिन हादी ही या दिल मुद्दईन, मैं ये समझता हूं
कि गंदुम का एक मुद जौ के दो मुद के बराबर है। यानी वैल्यू के एतबार से देखा जाए तो गंदुम का एक मुद जौ के दो मुद ये बराबर है। तो एक सा में कितने मुद होते हैं? एक सा में कितने मुद होते हैं? ढाई। ये किसने कहा? मुद कितने होते हैं? चार। चार मुद होते हैं। एक मुद तकरीबन 600 ग्राम का होता है, 600 ग्राम या कुछ ऊपर। तो गंदुम का इनके हिसाब से जो मुआविया रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त रेट देखा, वैल्यू देखी, तो उन्होंने कहा कि गंदुम के दो मुद बराबर हैं किसके? जौ के चार मुद के। गंदुम के दो मुद बराबर हो गए जौ के चार मुद के, तो इसलिए कहा कि गंदुम का आधा सा दे दें। ये किसने फैसला सुनाया? मुआविया रजी अल्लाह तआला ने, क्योंकि गंदुम बहुत कम मिलती थी और महंगी थी। अबू सईद खुदरी ने क्या जवाब दिया? फला अजालु उखरिजुहु कमा कुंतु उखरिजु अला हदी रसूलुल्लाह सल्लम, हरगिज ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो उसी तरह एक सा ही देता रहूंगा जिस तरह मैं रसूलुल्लाह सल्लम के दौर में एक सा देता था। चाहे गंदुम महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, एक सा मुकर्रर है तो हम एक सा ही देंगे। एक को देना चाहिए ना। और ठीक है, ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 20 किलो आप चावल बना लें, चंद अफराद की तरफ से 20 किलो आटा बना लें और ये दो चीजें बनाकर किसी एक फैमिली को दे दें। ऐसा ठीक नहीं है कि आप वो किलो किलो के बनाकर बांटना शुरू कर दें पूरे इलाके में, तो इससे किसी एक का भी फायदा नहीं होगा। इससे बेहतर है कि किसी एक फैमिली को दे दें ताकि उनका इससे कोई फायदा हो सके। जी जी बिल्कुल दायर। मुत्तफ़क़ हूँ ना? जी बिल्कुल ठीक है। तो आपका यहां तक मैंने मसाइल भी आपको दे दिए थे और यहीं तक इम्तिहान आएगा इंशाल्लाह आपका। और मुझे अभी तक कोई मौसूल नहीं हुए मसाइल, तो पीरियड भी खत्म हो गया। उसके बाद ये समझ लें कि आपके 60 में से 40 नंबर बाकी हैं। है अच्छा, बस फिर आप ना वहां किसी को सारे एक जमा करके हमें यहाँ काउंटर में पहुंचा दें, तो मैं जरा देख लूं उनको। देखने के बाद फिर हाँ, बस आप में से भी अगर कोई ना नाम लिखकर एक पर्चे पर ना, आप एक काम करें कि आप में से कोई एक पर्चे पर नाम लिख लें जो जो जमा करवा रहे हैं, ताकि फिर इस पर मेरा हाशिया लगना भी आसान हो जाए। वापस में हाथों हाथ दे सकता हूं इंशाल्लाह। जी हाँ, सब 2.5 kg देना। जो जरूरतमंद है, जो भी जरूरतमंद है, जो जाहिर है, जो ज़कात का मुस्तहिक है, तो सदकातुल फितर भी ले सकता है। ठीक है जी, इसी पर इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। हम फिर मुलाकात हमारी होगी इम्तिहान वाले दिन इंशाल्लाह, लेकिन मैं नहीं होऊंगा, मैं जा रहा हूँ सरकारी दौरे पर तो इंशाल्लाह मेरी क्लास होगी, कोई लेगा इंशाल्लाह, जरूर किताब सियाम आपको पढ़ाएगा। इम्तिहान यहीं तक आएगा, नहीं सरकारी दौरे पर। पेपर इंशाल्लाह सवाल लिखे होंगे 60, एमसीक्यूज 60 होंगे। और ये तो हो गया ऑनलाइन ऑन साइड दोनों वालों के, ऑन साइड वालों के लिए खुसूसी तौर पर 5 सवालात और भी होंगे। 5 सवालात तफसीली होंगे इंशाल्लाह, वो जिस पर आपने मजामीन लिखने हैं इंशाल्लाह, ठीक है, और दुआएं लिखनी है आपने। पास वही होगा जो क्लास लेता है। चॉइस ये होगी कि टोटल सवालात होंगे 7, उसमें से 5 करने हैं। अच्छा, मैं वैसे डरा रहा हूं आपको, सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे और सिर्फ चंद दुआएं होंगी जो आपने, जैसे आपने 20 याद की है ना, उसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 लिख दें आप, ठीक है। कोई भी मैं बता सकता हूँ, आप ये लिख दें या ये लिख दें या लिख दें, बस
बाकी वो एमसीक्यूज होगा इंशाल्लाह, ठीक है, वो तो आसान है। असाइनमेंट मैंने जमा करा दी है, चेक करवा के मैंने जमा करवा दी है, चेक करके शेख साहब, ठीक है शेख साहब जी, वो जो आपने बताया ना कि जकात के मुस्तहिक 8 किस्म के लोग हैं जी, लेकिन उसमें तो 7 हैं, उसमें 7 लिखे हुए पीडीएफ में, नहीं 8 है ना कुरान में, उसमें जो उसमें मसाकीन और फुकरा को एक ही शुमार किया होगा। अच्छा, लेकिन ये अलग अलग होंगे? जी अलग अलग हैं, फकरा मसाकीन, ठीक है, सुभानअल्लाह। नाम क्या मैंने क्या करना, रजिस्टर के साथ नाम जमा करवाना है। I pray that all the Muslims will benefit from this work and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amen. ऐसा नहीं, ऐसा बहुत बता के नहीं आते, नहीं बहुत बता चला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أنزل من السماء ماء أنزل ماء نازل كيا نازل كما تقول अंसला का मतलब होता है उतारना, अंसला का मतलब उतरना, एक है उतरना और एक है उतारना, नाजिल होना और नाजिल करना, तो अंसला उसने नाजिल किया, मिनस समाई माँ आसमान से माँ को नाजिल किया, फसालत क्या हो गई, साला यसीलू का वर्ड आपने सुना, सैलाब सैलान बहरे के माने, फसालत तो फिर बह निकली, औदिया औदिया किसके जमा होगी, वादी की, तो वादियां बह निकली, वादी किसको कहते हैं, जबल ऐन, दो पहाड़ों के बीच में जो है जगह होती है वादी, औदिया जो है
वो वादी जो है वो पानी के बहने की जगह को भी कहते हैं, और पहाड़ के बीच में अक्सर ऐसा होता है कि पहले पानी बहता रहता है और पानी अपने साथ जो है वो जगह को साफ करता रहता है, और एक वक्त आता है कि वो जगह जो है वो वसी हो जाती है वादी की सूरत माना। فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو پھر کیا ہوا اپنی اپنی مقدار کے مطابق وادیاں جو ہیں وہ بہنے لگی نہریں جو ہیں وہ بہنے لگی پھر کیا ہوا فَاحْتَمَلَا احتمالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹھانا تھوڑا سا بتائیں گے کہ آن لائن ایشو آ کے آ رہا ہے آواز میں انزل من السماء ماء اس نے نازل کیا آسمان سے پانی فسالت بینکلی اودیتم بقدرها نہریں اپنی اپنی مقدار کے اعتبار سے فاحتملا پھر اٹھایا بکر السیل سیل وہی پانی کا جو بہنا تھا اس پانی کے ریلے نے پانی کے نالے نے اٹھایا اس کو زبدا جھاگ جھاگ کو اٹھایا اور وہ جھاگ کیسا ہے رابیا جیسا ورڈ یا اس کے جو حروف اصلی ہیں اس کے قریب کا ورڈ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اربا کہاں پہ ہے نہیں وہ ہے آیا وہ آئے سے رابع یہ اربا نہیں رابیا ربا ربا سے بالکل پروفٹ کا بھی معنی اور ربا کا بھی پڑھنے کے معنی میں رابیا پڑھنے کے معنی میں تو کیسا وہ پانی جب بہتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنے ساتھ جھاگ اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اور وہ جھاگ کیا ہوتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے ابھرتا رہتا ہے تو یہ ایک ایگزامپل دی کہ پانی بہتا ہے اور پانی جب بہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک جھاگ سا اس کے اوپر کریٹ ہوتا رہتا ہے دوسری ایک ایگزامپل کیا دی وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ اَوْقَدَ يُوقِدُ کا معنی ہوتا ہے جلانے کا اِقَاد جلانا کہاں پہ فِنَّارِ آگ میں کچھ چیزوں کو یا آگ پر کہہ لیں آگ پر کچھ چیزوں کو جلایا جاتا ہے کس وجہ سے ابتغاء حلیت ابتغاء حاصل کرنا ابتغاء رضوان اللہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ابتغاء حاصل کرنا کس کو حاصل کرنا حلیہ زیور او متاع یا سامان اس کے اوپر بھی کیا آ جاتا ہے زبد جھاگ آ جاتا ہے مثلہ اس کی طرح کا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور ان چیزوں میں جن کو کیا کرتا ہے انسان آگ پر جلاتا ہے کس نے جلاتا ہے زیور بنانے کے لیے یا سامان بنانے کے لیے اس کے اوپر بھی کیا آ جاتا ہے جھاگ آ جاتا ہے کیا جھاگ آ جاتا ہے مثال کے طور پہ جب آپ پانی دیکھتے ہیں پہلی والی اگزامپل کہ جب پانی بہتا ہے تو اس کے اوپر ایک جھاگ سا فوم سا کریٹ ہو جاتا ہے کیا اس فوم کی اپنی کوئی ویلیو ہوتی ہے لائٹ سا ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے پانی بہنا رکے گا وہ جھاگ بھی تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو کچرا ہوتا ہے وہ بھی کیا آ جاتا ہے اوپر کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کچھ جہاں پہ لوگ کچرے وغیرہ پھینکتے ہیں اس میں پانی کے اوپر کچرا بہتا رہتا ہے اور پھر دوسری اگزامپل اللہ تعالیٰ نے کیا دی کہ جب انسان کچھ میٹلس کو جب برن کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کس میٹل کو برن کیا جاتا ہے
सफाई के लिए सोने को, सोना जब आयरन ओर से निकलता है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको क्या करते हैं, उसको जलाते हैं, लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। जब उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो क्या होता है, उसकी इम्प्योरिटी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, सारा जो कचरा वगैरह होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो हिलिया जेवर के एतबार से भी किसी मेटल को अगर इस तरह हीट किया जाता है, या फिर मिसाल के तौर पर लोहा वगैरह है उसको भी अगर हीट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तो उससे भी क्या होता है कि उसका जो कचरा वगैरह होता है वो सारा कहाँ पे आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, उसका झाग बन जाता है। और कदालिका, कदालिका का मतलब इसी तरह, यजरिबु, यजरिबु का मतलब ऐसे क्या होता है, मारने का जो होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, मिसाल बयान करना है क्योंकि पीछे एग्जाम्पल दी गई है, तो इसी तरह अल्लाह बयान करता है अल्हक वल बातिला, हक को और बातिल को। तो इतने से हक कौन सा है, वाजे सी बात है, ये जो झाग है इससे मुराद क्या है, बातिल, क्योंकि बातिल की अपनी कोई हकीकत नहीं। लेकिन मसला क्या होता है, जब इंसान ऊपर से देखता है तो उसको क्या दिख रहा होता है, यही झाग दिख रहा होता है, और उसको उस झाग की इतनी वैल्यू लग जाती है, यानी तो झाग इतना सारा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हक और बातिल की मिसाल इस तरह है कि जो बातिल है ना, ये अपने कम वेट होने की वजह से, इसकी कोई वैल्यू ना होने की वजह से ये ऊपर तो आ जाता है, लेकिन इसकी अपनी कोई, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये ज़ाया हो जाता है। जब आप किसी मेटल को जलाते भी हैं तो आपका कस्ट जो है वो ऊपर आने वाला कचरा नहीं होता। कस्ट क्या होता है, जो हक होता है, जो मतलूब होता है, वो नीचे रहने वाली चीज़ होती है जो कि प्योर होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है कि हक और बातिल की भी इसी तरह मिसाल है। फअम्मा ज़बदु, जहाँ तक ज़बद की बात है, ज़बद क्या था, झाग, फयदहबु जुफाआ, तो वो चला जाता है बेकार, जुफाआ सूख के गायब हो जाता है, बेकार सूखा गायब हो जाता है, यानी उसकी चूंकि अपनी कोई वैल्यू नहीं होती तो वो थोड़ी देर में फिर गायब हो जाएगा। वह अम्मा, और जहां तक बात है मा यन्फाउन्नास, जो लोगों को फायदा देने वाली चीजें, फायब उसी फिर और भी, तो वो क्या होती है, माकस ठहर जाती है। सब कदालिका यज़रिबुल्लाहु अल-अम्थाल, इस तरह अल्लाह मिसाल बयान करता है कि जो हक की बात है वो बाकी रह जाए इंसान की जिंदगी में, वो एफर्ट जो उसने अपनी आखिरत के लिए की है वो बाकी रह जाएगी। जो दुनिया के लिए की है वो क्या है, वो इसी झाग की तरह है, क्वांटिटी में तुम्हें ज्यादा लग जाएगी, अट्रैक्ट भी कर जाएगी, लेकिन इसकी कोई अपनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जाया हो जाएगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से बयान किया, अब मैं तर्जुमा उसका पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी तवील हदीस है, कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म और हिदायत देकर भेजा है इसकी मिसाल बहुत ज्यादा बारिश की है जो एक जमीन पर बरस रही है। इस जमीन का एक हिस्सा जो बहुत उमदा और जरखेज था, इसने पानी को कबूल किया, जज्ब कर लिया, फिर बहुत सी घास और चारा उगाया, और इसके कुछ हिस्से सख्त जमीन के घड़े थे जिन्होंने पानी रोक लिया, तो अल्लाह ने इसके साथ लोगों को नफा पहुंचाया, चुनाचा उन्होंने पिया भी और पिलाया भी और खेती बाड़ी की, और इसके बाद हिस्से जो है वो चटियल मैदान थे, ना पानी रोकते थे ना घास उगाते थे। तो ये इस शख्स की मिसाल है जिसने अल्लाह के दीन की समझ हासिल की और इसे इल्म और हिदायत ने नफा दिया जिससे देकर मुझे अल्लाह ताला ने भेजा था, और इस शख्स की मिसाल जिसने इसकी तरफ ना सर उठाया और ना अल्लाह की वो हिदायत कबूल की जो देकर मुझे भेजा गया था। तो इसकी ये जो मिसाल है ये काफिर की मिसाल। क्या बात हुई, रिजल्ट में क्या क्या, बारिश हुई, अब कुछ जमीन क्या होती है वो उसको जज्ब कर लेती है, कुछ जज्ब ऐसा करती है कि कम अज़ कम अपनी जो है वो घास उगाती है उस जगह को फायदा हो जाता है, कुछ ऐसी होती है जो पानी स्टोर भी कर लेती है कि ना सिर्फ खुद को फायदा हो रहा है बल्कि दूसरों को भी फायदा हो रहा है, और कुछ जमीन कैसी होती है जो बिल्कुल फ्लैट होती है, वो आने वाले पानी को ना एब्जॉर्ब करती है ना रुकने देती है बल्कि उसको बहा देती है। तो अल्लाह ताला ने नूर भेजा था, हक भेजा था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसको इतना जज्ब करेंगे कि उससे खुद को फायदा होता है, उनकी जिंदगियों में वो नूर जो है वो प्रैक्टिकली आपको दिखने लगेगा, उनकी जिंदगी में उनको फायदा होगा। कुछ ऐसे होंगे जो खुद भी फायदा उठा रहे होंगे लेकिन साथ साथ क्या कर रहे होंगे, उसका औरों को भी फायदा हो रहा होगा, उनसे औरों को भी इल्म मिल रहा है, उनसे औरों को भी नेकी की तलकीन मिल रही है, भलाई का रास्ता दिख रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जिन पे वो आयात पढ़ी जाए, जिनको वो मैसेज बताया जाए, लेकिन ना उनसे कोई दूसरों को फायदा हो पाता है और ना ये कि वो उनके अंदर रुकती है बल्कि कान में जाती है, दिल तक पहुँचती रही है, आयात उनको दिख भी रही होती है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ फायदा हासिल नहीं कर रहे। ये कुरान या जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक दिया गया उससे पूरी तमाम की बात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के साथ साथ अहादीस भी दी। लिल्लदीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम,
उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया, इस्तेजाब किया, जवाब दिया, इसको जवाब दिया रब्बिहिम, हमने रब को जवाब दिया, उनके लिए क्या है अल हुस्ना, हर तरह की भलाई है, या अल जजा अल हुस्ना, बेहतरीन जो है वो जजा है। वल्लजीना लम यस्तजीबू, और जिन्होंने नहीं जवाब दिया लहू उसको, यानी अपने रब को जवाब नहीं दिया, अपने रब की बात को कबूल नहीं किया, लहू अन्ना लहुम, अगर चाहे उनके लिए होता, मा फिल अर्ज जमीअ, जमीन पे जो कुछ है वो सबका सब, जमीअ तमाम पे तमाम होता, व मिस्लहु माहु, और उसके साथ उसके जैसा और भी होता, तब भी उनको क्या करना पड़ता, लफ्तदउ, क्या करते वो फायदा नहीं, फिदिये में देते, इफ्तदा फिदिये से, वो फिदिये में देते, क्यों, क्योंकि उनको तो जजा अपने सामने दिखेगी, तो वो क्या चाहेंगे कि दुनिया में जो कुछ हमारे पास था हमसे ले लो, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं सब कुछ भी होता और उसमें डबल भी होता, तब भी वो उस सब को देने को तैयार हो जाते हैं कि आखिर के आजाब से बच, थोड़ा कहते हैं खुदा इनका लहू सूल हिसाब, इन्हें क्या है सूल हिसाब, बुरा हिसाब है, वमक्वाहु जहन्नम, और उनका ठिकाना जो है वो जहन्नम है, वो भी सल निहाद, बिसा का मतलब क्या होता है बुरा होना, और इसका ऑपोजिट क्या होता है अरबी में, बिसा का ऑपोजिट क्या होता है नेमा, बिसा जो है वो जम के लिए होता है, मुजम्मत के लिए होता है, और नेमा जो है वो मदाह तारीफ के, वो बिसल मिहाद, और बहुत बुरा जो है ये गाना या कुछ भी नहीं मिलेगा। हिसाब के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीब है, एक हदीस है मन हुसिबा हुसिबा, क्या मतलब जिससे हिसाब लिया गया उसको क्या किया उसको आदाब दिया जाएगा। तो आयशा रफी ने पूछा कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है फसल का जो खास है वो हिसाब ही सीरा, तो बाज़ लोग ऐसे होंगे नेकोकारों की बात होगी कि उनका हिसाब किया जाएगा हिसाब ही सीरा, बहुत हल्का किस्म का है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इतना दारिक अर्ज़, ये है अर्ज़ का, अर्ज़ का क्या होगा, हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बंदे को कवर करेगा और उस बंदे से बात करेगा और उसके ऊपर उसके गुनाहों को पेश करेगा, है मेरे बंदे तुमने ये किया था, आना मैंने किया था, ये भी किया था, आना मैंने किया, ये क्या है कि उसके गुनाहों को पेश किया जाएगा, वो इकरार करता रहेगा और आखिर में क्या होगा कि जाओ मैंने तुझे सब माफ किया, और फिर और भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो है ये अर्ज है जो उसके ऊपर पेश किए जाएंगे हिसाब यसीरों से, मुराद क्या है कि एक तो सतर में पर्दे में अल्लाह कहेगा जब मैंने दुनिया में तेरा पर्दा रखा तो यहाँ पे भी तेरा पर्दा रखूंगा, लाके मन नूख इशा, देखिए जिससे जो है वो पूछ लिया गया, कुशल हिसाब यह लग, अगर किसी से पूछ लिया गया यानी अल्लाह ताला क्यों किया ऐसा, एक तो अल्लाह कह रहा है तुमने क्या उम्मत के तरह क्यों किया था, अब क्या है आप पकड़ चुके, और ऐसों के बारे में जो है वो अक्सर जगहों पे ही आता है कि उनका फिर आवामी हो रहा आगे नहीं हो रहा, सबके सामने जो है वो उनकी बात हो चुकी है, तो सबको इस तरह के आदाब से हो सके जिससे तफ्तीश कर ली गई ना, अल्लाह ताला ने सवाल करना शुरू कर दिया तो फिर उस इंसान की जो है वो जानता है, क्या बस वो शख्स जो जानता है, क्या जानता है अन्नमा उन जिला इलैका, बेशक उन जिला नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, वो क्या है अल्हक, हक, वो शख्स जो ये बात जानता है कि जो आपकी तरफ नाजिल किया गया है आपके रब की तरफ से वो हक है, का मन हुआ आमा उसकी तरह जो कि कैसा है अंधा है आमा है, जो कि इस बात को कबूल नहीं करता, ये तशबीह पहले भी गुजर चुकी है कि जो हक को कबूल नहीं करता अल्लाह ताला ने उसको अंधे की तरह जो है वो तशबीह दी, और एक और आयत में क्या है कि आखिरत में उसको उठाया जाएगा इस सूरत में कि वो अंधा होगा और वो कंप्लेन क्या करेगा कि मैं दुनिया में तो देखता था, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा इसी तरह तुम्हारे पास हमारी आयात आती थी निशानियां आती थी लेकिन तुमने उस वक्त इनको नहीं देखा, तो अब इस वक्त जो है तुम्हें इस बसारत का कोई फायदा नहीं, इतना यतज़क्करू उल अल्बाब, बेशक यतज़क्कर नसीहत हासिल करते हैं जिक्र करते हैं उल अल्बाब अकल वाले, और उल उल अल्बाब की अल्लाह ताला क्या सिफत बयान करते हैं, ये अल्लज़ीना वो लोग हैं वफा करते हैं अहद अल्लाह अल्लाह के अहद को, पूरा करते हैं अल्लाह के अहद को, वला यनकुना और नहीं तोड़ते नहीं नकस करते अल मीसाक
अहद हो या पुख्ता अहद, तो अल्लाह से वादा किया है ये उलुल अलबाब जो है वो अल्लाह से किए गए वादे को पूरा करते हैं और उससे किए गए किसी भी वादे को तोड़ते नहीं। एक तो जनरली अल्लाह से किया हुआ वादा है, और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की यानी एक सिफत क्या बयान किया, क्या जिक्र किया, ला दीन लिमन ला अहद, वो शख्स का कोई दीन नहीं है जो अपने अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता। और इसी तरह मुनाफिक की जो निशानियां बताई गई तो एक निशानी क्या थी कि जब वो वादा करता है तो वो खिलाफी करता है, पूरा नहीं करता। और इसमें आप देखें उलमा तो यह कहते हैं कि इस हद तक भी ख्याल करना चाहिए, कभी कभी हम बच्चों को कुछ कह रहे हो इतना तो मैं दे दूँ, लेकिन नियत नहीं होती। ये भी क्या है बात है, गालिबन एक हदीस भी है कि एक शायद औरत ने एक बच्चे को कुछ कहा था और पूछा था, इरादा था, अगर नहीं था तो फिर झूठ हो जाता। तो कितनी बार ऐसा होता है हम कहते हैं हाँ फिक्र ना करें मैं कर लूंगा, फिर कर लूंगा क्या है, ये भी एक कमिटमेंट है, इतने बजे पहुंच जाऊंगा कहा है फिर कोशिश करनी है, और अगर नहीं पहुंच सक रहे क्या करना है, माजरत करके, ये नहीं कि हाँ वो समझते हैं वादा खिलाफ क्यों देंगे भाई। तो कमिटमेंट क्या था कि पैसे दे दूंगा, कमिटमेंट क्या था कल आ जाऊंगा, आपकी चीज आपको कल पहुंच जाएगी, आज दे रहा हूँ कल रिटर्न कर दूंगा, अगर नहीं कर रहे और इसकी फिक्र भी नहीं, ज्यादा मसला क्या है कि फिक्र नहीं है कि यार चलता है इस तरह के मामला चलते रहते हैं, और इससे बढ़ के जो अल्लाह से वादा किया है, जो अल्लाह से आहद किया है, एक आहद हम सबने क्या कहा है अलस्त तो रबी कुमार आते हैं कि अदा हमारा रब क्यों किया, और फिर दुनिया में जब हम कलमा कबूल करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, उस वक्त उसके जो सारे तकाज हैं कि अल्लाह से हमारा आहद है कि अल्लाह अब हम इन तकाजों को पूरा करेंगे, जो आपके अहकाम आएंगे उस पर हम पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये उलुल अलबाब वो लोग हैं जो अल्लाह से किए गए अपने आहद को पूरा करते हैं और अपने इंसाफ को तोड़ते देते हैं। और कौन है ये लोग, अल्लदीना यसीबून, क्या करते हैं मिलाते हैं, वसल करते हैं, जोड़ते हैं, किसी को जोड़ते हैं, मा अमर अल्लाह बिहि, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है अय्यू सला कि उसको जोड़ा जाए, जिस जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो, चाहे वो मामलात के हवाले से हो, किसी के हुकूक के हवाले से हो, जिस जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको जोड़ा जाए, ये उसको जोड़ने की फिक्र में रहते हैं और क्या करते हैं, यख्शौन रब्बहुम, और वो खशियत रखते हैं अपने रब की, व यखाफून सूअल हिसाब, और बुरे हिसाब से जो है वो डरते हैं। खशियत के बारे में इस बारे में कहा गया है कि खशियत ऐसा खौफ होता है जिसके साथ ताज़ीम भी नहीं होती, इसकी आप ताज़ीम करते हैं उससे आप खशियत रखते हैं, और इसका अक्सर जो उसकी जो अक्सर वजह होती है वो इल्म की बुनियाद पर। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, इत्तमा यख्शल्लाह मिन इबादिहि अल-उलमा, और इसके दोनों माने, दोनों माने क्या, कि वो शख्स जो कि अल्लाह की खशियत नहीं रखता वो आलिम है, उसके पास कोई नहीं, और हकीकतन जो अल्लाह की खशियत रखने वाले हैं वो वाकईतन अहले इल्म, अल्लाह की खशियत किस तरह रखनी है उसका हकीकी जो अंदाजा होता है वो अहले इल्म पे। एक शख्स जिसको जिसके पास इल्म नहीं है वो अल्लाह की खशियत सही तरीके से नहीं रख सकता, लेकिन एक शख्स जिसका उसका खौफ, उसका डर मोहब्बत के साथ साथ, तासीब के साथ साथ, कहीं मेरा रब उसे नाराज ना हो, और एक शख्स है जो कि इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करने की तलब में, लेकिन उसको अल्लाह की खशियत नहीं, वो अकेले में जब होता है तो उसके लिए गुनाह करना बहुत आसान होता है, लोगों के सामने जाता है तो गुनाह में एहतियात करता है, लेकिन मसला क्या होता है कि कहीं लोग मुझे बुरा ना समझे, कहीं लोग ये ना कहें कि वैसे तो इतना इल्म पढ़ता है, इतनी दाढ़ी रखी है, इतना हिजाब करते हैं, इतना इल्म हासिल किया और ये अमल करते हैं, लेकिन जब वो अकेले में जाता है तो उसको रब का खौफ नहीं होता, वो असल में जो है वो इल्म हासिल नहीं करता। वल्लदीना, और इनकी एक और सिफत क्या है, सबरू, क्या करते हैं, सबर करते हैं, और किस लिए सबर कर रहे हैं, इब्तिगा वजही रब्बी, अपने रब के चेहरे को हासिल करने के लिए जो है वो सबर, सबर कोई और वजह से नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं कि मैं मजबूर हूँ, इस वजह से नहीं कि किसी बड़े ने कहा है तो अब तो करना पड़ेगा, इस वजह से नहीं कि मुझे कोई और कष्ट हासिल है कि चलो वो दुनिया में मुझे वो चीज मिल जाएगी, बल्कि उनका सबर सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर होता है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और सबर किस चीज तरह का था जी, सबर अल ताअ, नेकी पर सबर करना, दूसरा सबर अल मासिया, गुनाह से रुकने का सबर, तीसरा अल बला और अल मुसीबा, की दुनिया में जो आजमाइशें आती हैं या मुश्किलात आती हैं उस पर सबर करना, इन तीनों में उनका जो कस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि अल्लाह हमसे राजी है। और जब इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है कि उसको सिर्फ अल्लाह की रजा मंजूर होती है तो फिर उसको दुनिया वालों से कोई शिकायत नहीं होती, हाँ उनसे ज्यादा रद्द ला देंगे,
उसने मेरे साथ ये जुल्म किया, बस मेरा रब मुझे दिला दे। खुशबू और खशिया और खौफ, खुशबू तो अलग है ना, खुशबू आजसी उसमें आ जाती है, सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। खशियत और खौफ में बाज ने फर्क किया और बाज ने नहीं, बाज ने कहा है कि खुशबू जो है वो खौफ आम है ज्यादा और खशियत थोड़ी खास है, बाज ने इस तरह निकल, क्योंकि खशियत जो है वो तहजीब के साथ है और इल्म की बुनियाद पे है, और खौफ जरूरी नहीं है तहजीब के साथ हो, खौफ जो है वो हलाकत की बुनियाद पे किसी और तरह का भी हो सकता है। लेकिन बाज ने कहा है कि ये दोनों में इतना कोई ज्यादा फर्क है, लोहत के एतबार से इतना फर्क मतलब है, वो खुशबू है, खुशबू और खुशबू वो इत्मीनान के साथ पढ़ना, सुकून के साथ पढ़ना, हाजिर हाजिर होने के साथ पढ़ना, वो खशिया नहीं, वो आयन के साथ, खौश आयन आती है, खौश क्या सबर इब्तिगा व जिरो पे, और क्या करते हैं, अकाम सदा नमाज को कायम करते हैं, व अनफकू और वो खर्च करते हैं, बेमा रजक ना हो उनमें से जो हमने उनको, ये इंसान याद रखे कि जो इंसान खर्च कर रहा है वो इसमें से जो अल्लाह ने दिया, और किस तरह खर्च करते हैं, सिर्फ पोशीदा छुप के वो अलानियतन और ऐलानिया तौर पे, ऐलानिया तौर पे खर्च करना चाहिए, बता बता के लोगों को, दो 1,00,000 रुपये मेरी तरफ से, दो 50,000 रुपये, देखें भाई आप सब, मैं इन भाई की मदद कर रहा हूँ, ये बड़े मजबूर से बेचारे, आप सबसे भी अगर हो सके तो इनकी मदद करें, घर पे गैस नहीं आ रही है, तो कंप्रेसर लगाना है गैस खींचने के लिए, ये तो ऐलानिया खर्च करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, ऐलानिया कर सकते हैं। देखो कुछ मुफस्सिरीन कुछ उलमा ने कहा है कि ऐलानिया से मुराद कौन सी होगी, ज़कात, कि ज़कात जो है वो क्या है, फर्ज है, जिस तरह मर्दों को नमाज भी किधर पढ़नी है, फर्ज मस्जिद में, और सुन्नत किधर पढ़नी है, कि यहाँ क्यों पढ़ना शुरू हो जाते हैं लोग, घर जाके पढ़े ना, कौन सी हदीस है, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, नहीं फर्ज तो वैसे भी नहीं है, सुन्नत वैसे भी फर्ज नहीं, लेकिन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है कि इंसान घर में पढ़े, कोई खास जगह मुहैया करे अपने घर में जहाँ पे वो इबादत करे अल्लाह की, और उस जगह को जिस हद तक मुमकिन वो साफ सुथरा रखे, पाक रखे। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मजबूरी कहने कुछ भी कहने, जिस वजह से मुख्तलिफ मामला परेशान कौन होते हैं, कम अज़ कम एक छोटी सी जगह, छोटा सा स्टोर भी मिल जाए उसको, हर तरह की चीज़ से जहाँ तक मुमकिन स्टोर हो नमाज पढ़ने के, एक शख्स खड़ा हो सके, पता कहीं हमारे यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, कभी फोन बच जाता है उसकी रिंग टोन अजीब किस्म की होती है, कोई और मामला हो रहा होता है, तो इंसान टीवी चल रहा होता है, कोई कुछ देख रहा है, किसी की कुछ आवाज़ आ रही है, तो इंसान कोशिश करे कि घर में एक ऐसी जगह हो जहाँ पे इंसान सारे मामला से दूर अपनी नमाज कायम कर सके, और कोशिश यही करनी चाहिए कि नवाफिल जो है वो इंसान घर में अदा करे। मस्जिद में कुछ लोगों की आदत होती है कि बस फर्ज नमाज खत्म ही, और वो कहते हैं बस फौरन फौरन ना, क्या कहते हैं, बस टेंशन ना, नमाज जब टेंशन के साथ इंसान पढ़ रहे हैं तो उसको नमाज सही तरह नहीं मिलती, इंसान को नमाज इतमान के साथ मजे के साथ कुछ होते ना, वो कभी कुछ लोग होते ना केक खा रहे होते हैं, कुछ ऐसा बचा के रहे, ये बाद में खाए, अब जो टेस्ट चल रहा है ना, अभी अभी फर्ज तो पड़ी, अभी तो वो किक मिल गया है, थोड़ा सा नफिल का बाद में रख लेंगे, अभी सारा करने का ओवरडोज हो जाएगा। खैर ये तो एक जनरल बात है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि फर्ज जो है वो मर्दों की बात होगी, फर्ज जो है वो जमात के साथ अदा हो, वो अदानियाँ करने, और नवाफिल जो है, और खास कर उसमें जो रात की नमाज है वो सिर के लोगों को दिखाना नहीं। इसी तरह इंफाक में भी क्या है, अलानिया जो फर्ज है ज़कात, और बाज़ उलमा ने इसलिए भी दिखाया है कि ताकि, क्योंकि आपको बताया कि जैसे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो ज़कात के मुनकिरीन थे उनके खिलाफ जिहाद भी किया था, तो इस एतबार से दूसरों को पता भी हो कि हाँ इस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी है। उसके अलावा भी जैसे जिक्र किया गया कि अगर कहीं पर सदका करना जो है अलानिया तौर पर ज़रूरत बन जाता है, खासकर दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए, या जैसे कुछ लोग होते हैं आपके जैसे जानने वाले हैं, उनको ये एतमाद है कि अगर आप यहाँ पे खर्च करते हैं तो आपका जब एतमाद है तो वो भी एतमाद करते हैं, जैसे उनको होता है कुछ लोग कहते हैं मैंने इस मस्जिद में दिए हैं तो रिश्तेदार जानते हैं कि हाँ इन पर भरोसा है तो इन्होंने सही जगह पर दिए होते हैं, तो अगर दूसरों को रगबत दिलाने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो तो की जाए, लेकिन ज़्यादा अफसर क्या है वो सेवा है, उसकी वजह क्या है और कौन सी हदीस है, अल्लाह का अर्श का जो साया है उसमें एक
जो ग्रुप है वो कौन सा है कि हमने दाएं हाथ से ऐसे खर्च करते हैं क्योंकि बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। इतनी पोशीदा तरीके से करते हैं कि कभी कभी तो रिसीवर को भी नहीं पता चलता कि दिया किसने। कितने ऐसे केसेज हैं कि वो सहाबी जो है वो खिदमत कर रहे हैं, करके चले जाते हैं और रिसीवर को नहीं पता कि कौन आदमी करता है। सिर्रन अलानिया, लेकिन अलानिया तौर पे जायज है इतना है कि इंसान को उसमें किसी तरह की रियाकारी का खौफ आ रहा हो तो फिर उससे इजतना। वयदरऊना, और वो क्या करते हैं, दरा करते हैं, हटाते हैं, छोड़ते हटाते हैं, हटाते हैं बिल हसनती, अच्छाई से या अच्छाई के जरिए हटाते हैं। किसको हटाते हैं, असैया बुराई को। तो पहले भी जैसे हदीस आयत गुजरी थी इन हसनात युद्धिब्न सैया, कभी गलती हो भी जाती है तो उसको नेकी करके जो है उसको कवर कर लेते हैं, या फिर कहीं पे कोई बुराई का काम हो भी रहा होता है तो वो क्या करते हैं उसको अच्छाई से तब्दील कर देते हैं। उलाइका लहुम उक्बद्दार, इन्हीं के लिए जो है वो क्या है, दार किसको कहते हैं, घर, उक्बा अंजाम। बाज ने इसका माना किया है कि इनके लिए अच्छा घर है और बाज ने कहा है कि अद्दार से मुराद जो है वो ये दुनिया होगी और उक्बा जो है वो इस दुनिया का नतीजा होगा, यानी उनके लिए इन लोगों के लिए इस दुनिया का अच्छा नतीजा है। वो नतीजा कहाँ मिलेगा, आखिरत। और वो नतीजा क्या है, जन्नतु अदन, बागात है कैसे, अदन हमेशी के, नेटिव गार्डन नाम रखा है, दुनिया तो उनको जन्नतें चाहिए, जन्नतु अदन हमेशी की जन्नतें हैं। क्या होगा, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे, वो दाखिल होंगे और कौन दाखिल होगा, वमन सालहा, और जो सालेह हुए, जो नेक हुए, कितने से, मिन आबाई, उनके आबाओजाद में से, व अजवाज हैं और उनकी अजवाज में, उनके स्पाउसेस में से, व ज़ुर्रियात हैं और उनकी औलाद में से, ये सब जो है वो जन्नत में दाखिल होंगे इनके साथ। और क्या होगा, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम, फरिश्ते दाखिल होंगे उन पर, यानी उनके पास आएंगे, मिन कुल्ली बाब, हर दरवाजे से, उनको ग्रीट करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए, उनको उनके हमेशा के घर में बुलाने के लिए, और क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबर तो, जो तुमने सबर किया उसके अवजन तुम पर सलामती हो, फनेमा, इतना ही अच्छा है। नेमा का ऑपोजिट क्या है ना, बेसा, ये क्या है, मदह के लिए, तारीफ के लिए, नेमा उम्मतदार, इतना ही अच्छा जो है ये अंजाम है। और वल्लज़ीना, अब दूसरे ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है, वल्लज़ीना यदखुलूना, तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अहद अल्लाही, अल्लाह का आहद, में बाद मीसाक़ी, उसको पुख्ता करने के बाद, उस जब पुख्ता कर लिया उसके बाद उसको जब तोड़ते हैं, वयक़्तऊना, और वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, क़ता करते हैं, काटते हैं, मा अमरल्लाहु बिहि अन युसल, इसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको जोड़ा जाए, वह युफ्सिदूना फिल अर्ض, और वो फसाद करते हैं जमीन, उलाइका लहुमुल लअन, उनके लिए जो है वो लानत है, मतलब सुदार, और बहुत बुरा है। क्या एक घर में रहने वाले दूसरे शख्स की शिकायत करना इस नियत से कि उसको डांट पड़े या इनका रिश्ता खराब हो, ये कतार तालुक कितने आते हैं, रिश्ते को तोड़ने का आता, फसाद भी है, फसाद भी है और रिश्ता खराब भी कर रहे हैं, और ऐसे लोग जानबूझ के भी करते हैं, कोई चीज छुपा दी, गलत बयानी कर दी, शिकायत लगा दी, किसी की कोई गलती हो गई थी, आपको पता है अगर छुपा देते तो उतना कोई मसला नहीं था, लेकिन इस वजह से कि उनको उनका रिश्ता खराब, एडमिशन, तो ये कुछ मामला हैं जिनपे हमें बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं हमारे यहाँ, जो कि मामला खैर माशी सूरत हाल और सबके सामने अलहमदिल्ला, ये जब थोड़ा सा मईशत में कमजोरी आती है तो लोगों को जरूरी होता है कि एक दूसरे का साथ दें। हमारे यहाँ पे कुछ लोग हिसाब रखते हैं, तुम्हारे बच्चे ने कितनी गोटियां खाई, तुम्हारे बच्चे ने कितनी गोटियां खाई, इस तक दिली के साथ रिश्ते जुड़ते रहेंगे, इंसान को खुले दिल का होना चाहिए, देखें जिसका जो रिस्क है वो उसको मिलेगा, अगर अल्लाह आपके जरिए पहुंचा रहा है तो अल्लाह आप पर एहसान कर, अल्लाह ने उसको तो पहुंचाना है क्योंकि उसका रिस्क अल्लाह, उसका रिस्क तो अल्लाह पर है, अल्लाह उसको पहुंचवाएगा। अब अगर अल्लाह मेरे जरिए पहुंचवा रहा है तो मुझे इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसको इसका रिस्क मेरे जरिए पहुंचेगा तो उसको सही, मैं अगर उससे इसकी प्लेट में से निकाल दूंगा, अगर मेरे नसीब में नहीं लिखा था तो मुझे
इस एतबार से इन मामला में थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये साथ रहने के मामला जो है उसमें ख्याल करना चाहिए कि कहाँ पे इंसान जानता है कि कहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकता था, इग्नोर कर सकता था, दूसरे के लिए बेहतरी कर सकता था। और पता होता है कि अगर ये मेरा भाई होता तो बर्दाश्त करता, क्योंकि ये किसी दूसरे का भाई है इसलिए बर्दाश्त नहीं किया। ये मेरे वालिद होते तो यही मामला बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन दूसरे के वालिद है इसलिए बर्दाश्त नहीं किया। मेरी अम्मी इस तरह की बात कहती है तो मैं सुन लेता हूँ, लेकिन उनकी अम्मी ने किस तरह कहती है, इस मामले में इंसान को ख्याल करना चाहिए। अल्लाह, अच्छा ये बातें सुन के कुछ नेक हैं कुछ बुरे हैं, नेकों की सिफात बयान की और बुरों की सिफात बयान की, और क्या कहा, जो नेक हैं उनके लिए क्या है, उकबतदार, और जो बुरे हैं उनके लिए क्या कहा, सूरतदार। तो कहीं किसी इंसान के जहन में आए कि ये जो नेक लोग हैं दुनिया में तो नहीं देखते कि हमेशा इनके पास भी बहुत अच्छा ठिकाना है, और जो बुरे हैं उनमें से बहुत सो देखते हैं कि उनका बहुत बहुत अच्छा ठिकाना है दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने क्या वाज़े कर दिया, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा, अल्लाह कुशादा करता है फैलाता है रिस्क को लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, व यक़दिर और कम करता है तंग करता है, लिमन यशा इसके लिए चाहते हैं। ये जो दुनिया में इंसान देख रहा है कि किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, ये क्राइटेरिया नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है या नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की देन है। अल्लाह जिसको चाहता है ज्यादा देता है, जिसको चाहता है कम देता है, जिसको ज्यादा दे रहा है उसके लिए उसमें आजमाइश है, जिसको कम दे रहा है उसके लिए उसमें आजमाइश है। उनका मामला क्या है, फरीहू बिल हयात, वो खुश हो गए दुनिया की जिंदगी से, लेकिन दुनिया की जिंदगी का मामला क्या है, फरीहू यानी खुश हो जाते हैं, खुश हो गए यानी उनको जो मिला अब वो उस दुनिया पर ही खुश है। वमल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला मता, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी क्या है, छोटा सा थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा जो है एक मुद्दत है जिसको इंसान जो है वो एंजॉय करने के पीछे लगा हुआ है। इस एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक क्या मिसाल दी, एक दुनिया की जो मिसाल है वो आखिरत के मुकाबले में कैसी है कि इंसान समंदर में अपनी एक उंगली डालता है और निकालता है, वो देख ले कि उसको कितना हासिल है, जितना उसको दुनिया ये उंगली पर हासिल हुआ है समंदर के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी का मान। और एक और एग्जाम्पल क्या दी कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के बच्चा मरवा, बिल्कुल उसकी भी एग्जाम्पल दी कि कौन लेना चाहेगा इस, उसका कान भी कटा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नजदीक जो है दुनिया की थी बहन। और एक और जो एग्जाम्पल के मच्छर के फर के बराबर भी होती तो अल्लाह एक पानी की बूंद ना देता किसी नाफरमान। और एक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार लेट के उठे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइड पर जो है जहाँ पे लेटे हुए थे उसके निशान आ गए, तो सहाबा को जो है क्या हुआ महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम आपके लिए हम हमारे बादशाह हैं, बादशाह की तरफ आ रहे हैं आप हमारे बादशाह, हम हमारे सरदार हैं, आपके लिए हम एक बेड टाइप की कुछ सॉफ्ट चीज बना रहे हैं। क्या जवाब दिया, मेरा और दुनिया का क्या मामला है, सिवाय एक उस शख्स की तरह जो कि एक राह चलता हुआ मुसाफिर है, कुछ देर रेस्ट करने के लिए दरख्त के साए के नीचे बैठ जाता है, रेस्ट करता है, फिर खड़ा होता है और अपने रास्ते। तो जब मेरा मेरा मामला दुनिया के साथ यही है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे मुसाफिर की हैसियत से गुजारनी है जिंदगी, और नबी से सुनते हैं हमें भी क्या रहनमाई दी, खुद फिर दुनिया का अन्न का गरीब और आदमी से दुनिया में ऐसे लोग जैसे कि तुम अजनबी हो जहाँ पे राह चलते मुसाफिर, यहाँ पे रहने की इतनी फिक्र, यहाँ पे बसने की, यहाँ के माल बता की इतनी फिक्र अगर है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारे ईमान में कमजोरी है, तुम्हारा आखिरत पर जो है वो एतबार नहीं इतना ज्यादा उसको खुल सकते। वो यकूल लदीन का खुद, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने क्या किया कुफ्र किया, वो क्या कहते हैं, लौला उनसिल अलैहि आयत, क्यों नहीं नाजिल की गई इस पर कोई इनके रब की तरफ से निशान। और इस बात को हम मल्टीपल टाइम्स ये आयात में आ चुका है कि उनकी तरफ से तबादल है वो वैलिड नहीं था, सिर्फ एक इनकार के लिए एक सूरत नहीं थी। कुल आप इनको कह दीजिए, इतना अशा बेशक अल्लाह गुमराह करता है जिसे वो चाहे, वयाहदी और हिदायत देता है इलैही अपनी तरफ हिदायत देता है, किसमें देता है मन अनाब जो मुनीब है, जो पलटता है, जो चुप करता है अल्लाह से तो उसको हिदायत। ऐसा नहीं होगा कि बंदा अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश करे और अल्लाह फिर उसको करता है, ऐसा नहीं, तो अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश करेगा सच्चे दिल से सच्चे नीयत से अल्लाह उसको हिदायत देगा। अल्लज़ीन आमनू वो लोग जो कि ईमान लाए, में देख रहे थे का कौन मुतमइन हो जाता है, उनका दिल मुतमइन हो जाता है किससे, बिज़िक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र से, अला आगा हो जाओ बिज़िक्रिल्लाह ही तुम, अल्लाह के जिक्र से ही जो है वो क्या होता है
एक माना इसका यह है अल्लाह की याद, हकीकतर इंसान को जो दिल का सुकून मिलता है वो अल्लाह की याद से। आपको याद किसी भी तरीके से हो सकती है, कुरान पढ़ के, हदीस पढ़ के, इल्म हासिल करके, अल्लाह को जिक्र अस्कार करके, नमाज पढ़ के, वैसे ही याद करके, उससे दुआ करके। और एक इसमें माना ये भी है, पीछे जिक्र क्या चल रहा है कि कुफार क्या चाहते हैं, कुफार का क्या तकाजा था, कोई निशानी दिखाओ। कुरान उनके सामने आया हुआ है लेकिन उनके लिए कुरान काफी नहीं होता, उनको इस कुरान के अलावा कोई और निशानी चाहिए। तो कहते हैं कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कोई रैशनल तरीके से हमें समझाएं। अल्लाह क्या कहता है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उनका दिल अल्लाह के जिक्र से, फिर जिक्र से मुराद क्या हो जाएगी, कुरान हो सकता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, उनका दिल इससे मुतमईन, उनका उनके दिल के लिए कुरान और सुन्नत के दलाइल काफी है। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हकीकतन जो दिल का इत्मीनान है वो इन्हीं अदिल्ला, तो अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिए। जब ये अदिल्ला पहले लोगों की रहनुमाई के लिए काफी थे तो अब के लोगों की रहनुमाई के लिए भी ये काफी है। जिसको वाकईतन हक की तलाश है उसके लिए ये काफी, लेकिन जो कुफ्र और अनाज पे आएगा वो इन्हीं में से एक एक आयत पकड़ेगा और उसमें प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करेगा। आपका रब तो ये कहता है, इसका क्या जवाब है, ये तो इसमें ये गलती लग रही है, इसमें तो ये गलती लग रही है। अगर आप उससे सवाल करें कि एक सेकंड रुको और ये बताओ कि अगर इस सवाल का तुम्हें जवाब मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे, तो उनमें से अक्सर होंगे तो नहीं, क्योंकि जिसके दिल में वाकई होता है कि मुझे ईमान लाना है, मैं तड़प रहा हूँ कि मुझे सीधा रास्ता मिले, वो इसमें से हक को फौरन पहचान ले। लेकिन जिसने इस नज़र से पढ़ना है इस कुरान को, या जिसने इस नज़र से इस कुरान को अप्रोच करना है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम निकालनी है, खुदा तआला कहते हैं कि इसके जरिए लोग गुमराह भी होंगे। तो हकीकतन जो दिल का इत्मीनान है वो एक तो ये कि अदिल्ला के एतबार से कुरान सुन नहीं है, और दूसरा भी माना कि हकीकतन जो दिल को सुकून मिलेगा वो अल्लाह के जिक्र। अगर किसी शख्स को सुकून मिलता है किसी खास तरह के म्यूजिक को सुनने, तो क्या कहा जाएगा, हमारा दिल जो है मसलन की बात तो बीमारी होती है, उसको अच्छाई जो है समझ, आप जब बीमार होते हैं तो इंसान को बुखार हो जाता है, तो आपके जबान के टेस्ट क्या हो जाता है, इंसान को जो चीज अच्छी लगती है वो भी खाने का दिल नहीं हो रहा हो। तो जब इंसान बीमार हो जाता है तो उसको हक हक नहीं लग रहा हो, उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही होती। और यही हाल है एक इंसान का कि जब उसका दिल बीमार होता है तो उसको गलत चीजों में जो है सुनो। कितने ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कुरान पढ़ के वो सुनो की मिलता तो हमारी सुन लेते, बिल्कुल हमारी नाइट होती है, फलाना नाइट होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मामला होता है, ये भी मामला होता है कि अल्लाह चाहेगा तो हमें हिदायत दे देगा। और देखें इस आयत में अल्लाह ताला ने, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह जिसको चाहेगा हिदायत देगा, अल्लाह जिसको चाहेगा गुमराह करेगा, अल्लाह जिसको चाहेगा जन्नत में डालेगा, अल्लाह जिसको चाहेगा जहन्नम में डालेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, वो चाहत का क्राइटेरिया बता दिया, क्या क्राइटेरिया बताया, यह दिल ही बना रहा, वो हिदायत देगा जो रुजू करेगा, जो रुजू करेगा उसको हिदायत मिलेगी ना, तो इसका ऑपोजिट मतलब क्या है, रुजू नहीं कर रहा, जो हिदायत में नहीं आ रहा वो असल रुजू नहीं कर पा रहा, रुजू नहीं कर रहा, इस वजह से उसको गुमराह। अल्लाह की जो मशीयत है, अल्लाह का जो इरादा है वो डिस्कस किया है आपने, अल्लाह की जो मशीयत और अल्लाह का जो इरादा है वो दो तरह का, जो उलमा ने जो आयात और अहादीस है उसके मजमूए को समझाने के लिए उलमा ने अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का इरादा ये इस्तलाहात जो है वो समाज में स्पीक होती है। अल्लाह की मशीयत और अल्लाह का इरादा दो तरह, एक कहलाता है इरादा कौनिया और एक कहलाता है इरादा शरिया। शरिया हर वक्त जरूरी नहीं है अल्लाह ताला को पसंद हो, कौनिया इरादा कौनिया जो है वो हर वक्त जरूरी नहीं है अल्लाह ताला को पसंद हो। शैतान ने इब्लीस ने अल्लाह ताला का इनकार किया कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कर सकता नहीं, कर अल्लाह की जब तक इजाजत नहीं होगी इंसान कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सजदा ना करना था वो भी अल्लाह की इजाजत से था कि अल्लाह का इरादा कौनिया था, जरूरी अल्लाह को पसंद, इंसान करना चाहता है अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया, अल्लाह ताला उसके लिए क्रिएट कर देता है। मैं बंदूक चलाऊं सामने वाले शख्स तक वो गोली पहुंचेगी अल्लाह की मर्जी के बगैर पहुंच सकती नहीं पहुंच सकती, लेकिन जरूरी नहीं है कि अल्लाह ताला हर वक्त इससे खुश हो,
लेकिन इरादा शरिया जो होता है उसमें अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह जो चाहता है जिससे अल्लाह खुश होता है वो इरादा शरिया होता है। लेकिन इरादा शरिया को अल्लाह ने लाजिम नहीं किया कि हर वक्त होगा। अल्लाह क्या चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूँ? अल्लाह चाहता है कि मैं नमाज पढ़ूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैं अगर एक नमाज नहीं पढ़ता कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह को ये फिर पसंद नहीं। तो ये जो मैशा जो है ये किस तहत आएगा कि अल्लाह गुमराह करता है जिसको वो चाहता है? ये इरादा शरिया के तहत आएगा या इरादा कौनिया के तहत? कौनिया के तहत अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई शख्स गुमराह हो, अल्लाह को पसंद नहीं कोई शख्स कुफर करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का निज़ाम बनाया है, जैसे एक वो मशहूर हदीस है कि शुहदा जो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, मल्टीपल है, इंसिस्ट, वो कहते नहीं सब मिल गया। जब वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं, किस चीज़ की क्या इजहार करते हैं, हमें क्या किया जाए, दोबारा भेजा जाए, अल्लाह पूछ रहा है, उन्होंने एक अपनी डिमांड बताई, अपनी एक रिक्वेस्ट बताई। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या बताया कि नहीं, मेरा निज़ाम जो है ये नहीं है कि हम वापस कोई जा सकते। तो अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का निज़ाम बना दिया, और अल्लाह ताला ने इसमें जो निज़ाम बनाया है वो क्या बनाया कि जो रुजू करता है उसकी तरफ उसको हिदायत मिलती है, जो रुजू नहीं करता ज़बरदस्ती उसको हिदायत नहीं मिलती, उसके गले में नहीं ठोसी जाती। इसके अंदर खैर होती है, वो खैर दिखाता है, अल्लाह उसको हिदायत देता है। जो शख्स कह रहा है कि हमारे लिए इरादा होगा तो हमें हिदायत मिलेगी, तो वाकई उसको नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए उसको? एक शख्स जो नेकी के लिए, दो स्टूडेंट्स हैं, एक कहता है कि भाई ग्रेड तो टीचर के हाथ में, चाहेगा तो दे देगा, और दूसरा कहता है कि भाई टीचर के हाथ में तो है लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मेरी मेहनत पे भी कर रहा है, मैं मेहनत करूंगा टीचर को वो मेहनत दिखेगी वो ग्रेड देगा, दूसरा कहता है टीचर ने देना होगा वैसे ही दे देगा, तो हम किसको समझाएंगे? और जिसको मेहनत के बगैर मिल रहा है और जिसको मेहनत के साथ मिल रहा है, इनमें से कुछ कौन होगा? इसको देखिए, जुल्म किसके साथ हो रहा है? जो मेहनत कर रहा है उसके साथ जुल्म हो रहा है कि मैं मेहनत करूँ उसके बावजूद उसको भी वही मिले जो मुझे मिल रहा है, तो जुल्म हो रहा है और अल्लाह ताला उसे नहीं करेगा। तो ये तो हक का तकाजा है, अदल का तकाजा है कि जो शख्स मेहनत कर रहा है उसको हिदायत मिले, और जो शख्स मेहनत नहीं कर रहा बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अदा बिजिक्रमान है जो कि ईमान लाए, अमीर उस्वालिहात, जो ईमान लाए और उन्होंने अमीर उस्वालिहात एक अमाल किए, उनके लिए क्या है, तूबा लहुम, के लिए खुशखबरी है, वह हुस्नु मआब, और बेहतरीन है वो क्या है, ठिकाना है। चलो यही मैं रुकते हैं आगे जी, आपका क्वेश्चन बता दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक और बस योर साइड हो सकता है, वल्लाह आलम, मैं को आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टीम कहा था चेक करने का, अगर आ रहा हूँ तो और अगर मेरी समझ में ना आई हो तो आप अपनी बता दीजिए। अगर कोई और सवाल है तो बता दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। शेख साहब, दो सवाल थे, एक ये कि कुछ अल्फाज और कलिमात कुरान पाक में है जो समझ आ जाते हैं इजीली, मसलन अल्लाज़ीना उलाइका इस तरह के, और कुछ है जो मतलब समझ नहीं आते, जैसे औदिया आज के जो सबक में था फहतमला, तो इनकी इनकी कैसे प्रैक्टिस की जाए कि समझ आए, या इसका क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसको समझने की, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है, जब हम तर्जुमे के लिए तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हो तर्जुमा, तो वो जो कुरान का फहम, दूसरा ये है कि जब हम कुरान पाक को तर्जुमे के लिए पढ़ रहे होते हैं यानी तर्जुमा सीखने के लिए, तो उसका जो फहम होता है उसमें जो पैगाम अल्लाह ताला दे रहे होते हैं वो उस तरह बंदा रिसीव नहीं कर सकता, तो क्या उसके लिए अलहदा फिर इसको पढ़े? ये बात मैं नहीं समझ सका, आप क्या कह रहे हैं के साथ पढ़ने तो वो फहम? जी, अब आवाज आ रही है शेख साहब मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जी मैं कह रहा हूँ, जब मैं तर्जुमे के सीखने के लिए पढ़ रहा होता हूँ ना, इसका तर्जुमा पढ़ रहा होता हूँ वर्ड बाय वर्ड या हर्फ बाय हर्फ, तो जो अल्लाह ताला का पैगाम होता है ना इसमें, जो हमसे वो बात करना चाह रहे होते हैं, वो मैं उस तरह पिक नहीं कर सकता उसको, तो वो फिर दोबारा फिर उसको पढ़े दोबारा उस सेंस में आराम से काम हो के, या उसके क्या तरीकेकार होता है इसका? पहला जो आपको सवाल है उसमें बिल्कुल ऐसा होता है, कुछ कलिमात जो है वो बार बार रिपीटेशन के साथ आ रहे होते हैं, तकरार के साथ आ रहे होते हैं, तो वो पहचान में आ जाते हैं। कुछ कलिमात ऐसे होते हैं जो
बहुत ज्यादा तकरार के साथ नहीं आ रहे होते, उनमें कुछ टेक्निक्स जो आप लैंग्वेज पे, वैसे तो अल्लाह से दुआ करें सबसे पहले कि अल्लाह ताला आसान करे, अल्लाह ताला आपके हाफिज़ को मजबूत करे और पहचान पहचान भी दे। एक तो कोशिश हम कर सकते हैं वो ये है कि उस वर्ड से रिलेटेड इंग्लिश या उर्दू में अगर कोई वर्ड आपको पहचान में आ जाता है तो उसको पहचान लें। जैसे मिसाल के तौर पर यक फूना में कुफर मिलता है, कुफर उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, अब तो इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अगर कोई वर्ड ऐसा मिल जाए जो कि आपको मुश्किल से क्लोज क्लोज मिलता है और उसका माना इस एतबार से जहन में बैठ जाए, तो ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका ये भी होता है कि कुछ अल्फाज के जो है कुछ औजान होते हैं, वजन जैसे, जैसे हमने इसको तफसील का वजन पढ़ा था, वाले का औजान पढ़े थे। तो अगर आप उन औजान को भी पहचानना शुरू करते हैं इंशाल्लाह फेल माजी का, और इंशाल्लाह अगले साल फिर हम गुजारे और इस तरह के सीरे भी पढ़ेंगे, तो जब आप वो सीरे पहचानने वजन पहचानने लगते हैं तो फिर उससे भी जो है पाने की काफी हद तक जो है वो पहचान हो जाएंगे। तीसरी एक चीज ये कि जी बिल्कुल प्रैक्टिस कर करके अपने तकरार कर करके, कुरान में भी अल्लाह ताला ने एक मैसेज को सिर्फ एक बार जिक्र नहीं किया बल्कि मल्टीपल टाइम जिक्र किया है, बार बार जिक्र किया है ताकि इंसान को समझ भी आ जाए और याद दिलानी भी हो जाए। और इसी तरह ये होता है कि हम कोई सूरत याद भी कर लेते हैं लेकिन कुछ अर्से बाद उसको तकरार करनी पड़ती है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो इसी तरह इन वर्ड्स को भी जो है कहीं लिख लें। ऐसे वैसे खैर बहुत सारे कंपाइल्ड काम है जिसमें सूरत के एतबार से सूरत वाइज भी जो है वो वर्ड्स को, वर्ड मीनिंग्स को जो है जिक्र किया गया है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन हो उसको फॉलो करें, उसको याद करने की कोशिश करें, या आप जितना पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये कलिमात आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में बैठते रहेंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया, जी बिल्कुल ऐसा होगा कि कभी हम जब वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं तो उस तर्जुमे की कोशिश में फहम जो है वो महसूस होता है कि पता नहीं चला, तो फिर आप उस आयत को वापस पढ़ें, उसके फहम को वापस तलाश करें। और अगर वाजे बिल्कुल नहीं हो रहा तो फिर इसके तफासीर होती है, तफसीर में इंसान जो है, क्योंकि तफसीर में अक्सर ये होता है कि मुफस्सिर ने जो है उस बात को अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश की होगी, तो उसमें ऐसा होता है कि कभी किसी मुफस्सिर के कलाम जो है वो इंसान को ज्यादा अपीलिंग करता है, उसको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है। तो इस एतबार से कुछ कोशिश करते होते हैं, लेकिन वक्तन फोक्तन इंशाल्लाह आपके साथ ये होगा कि आप जब अरबी जितनी आप पढ़ना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, और जितना आपका मुताला कसरत में रहेगा, जितनी बार आप आयात से गुजरते रहेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वो आयात जब आप स्टार्ट ही होगी आयत, तो आपको उसका माना भी जहन में आ जाएगा इंशाल्लाह, उसका मफहूम भी आ जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसके कलमात के साथ साथ इंशाल्लाह फॉलो करें। थोड़ा सा अपना आपको इस एतबार से वक्त देना पड़ता है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो आपका फर्स्ट ईयर है, कभी कभी मतलब कभी अक्सर ऐसा होता है, अक्सर उन्मा का फौज है कि एड जो है वो तूलू जमा से आ गए, वक्त लगता है, तो अपने आपको वक्त दें इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे आसान भी करेगा और हमारी हर मेहनत जो है वो अल्लाह ताला कबूल भी कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ जज्बा भी इंशाल्लाह दे रहा है। इस मेहनत को करें और इस मोटिवेशन के साथ भी इंशाल्लाह इरादा और बस यही है कि अल्लाह का कलाम हमें समझना है, This video is optimized by Alim Online.